जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने 2019 में जब आरसीए का मैंने पदभार संभाला, तब जिस तरीके से हमने कोशिश करी कि राजस्थान में क्रिकेट की प्रतिभाओं को हम आगे लाएं, मैंने कोशिश करी कि क्रिकेट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान के अंदर, क्रिकेट केवल एक जयपुर तक सीमित नहीं रहे। मेरी कोशिश रही कि हम उदयपुर और जोधपुर तक, हमने नए स्टेडियम के लिए, चाहे जोधपुर की बात करें, हमने वहां पे सरकार से प्रयास करके वहां पे रेनोवेशन वर्क कराया। बरकतुल्ला खान स्टेडियम आज शानदार तरीके से तैयार है आप सबके सामने। साथ ही उदयपुर की बात करें तो हमने उदयपुर में नए क्रिकेट स्टेडियम की जमीन का आवंटन की बात हो, चाहे वहां पे बाउंड्री हमने, और साथ ही साथ जयपुर के अंदर भी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आरसी के पास अपना खुद का स्टेडियम नहीं था, तो हमारा और मेरा प्रयास था कि हम लोग, हमने बात करी राज्य सरकार से, और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से जयपुर में चौक में जो नया क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, वो हमारे प्रयास से हमने संभव किया कि वेदांता ग्रुप जो हिंदुस्तान जिंक है, वहां से हमने 300 करोड़ का एमओयू किया। और साथ ही आप सबको जानकारी है कि उसमें लगभग 55-60 करोड़ का काम हो भी चुका हिंदुस्तान जिंक के मदद से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जयपुर के अंदर आरसीए का अपना खुद का स्टेडियम होगा। साथ ही आपने देखा पिछले साल, चाहे आरपीएल की बात करें, हम आरपीएल के पीछे की सोच थी कि हम ज्यादा से ज्यादा राजस्थान के नए क्रिकेट खिलाड़ियों को, नई प्रतिभाओं को आगे लाएं। आरपीएल एक शानदार आयोजन रहा, आप सबने देखा जयपुर जोधपुर के अंदर जिस तरीके से मैच हुआ, जोधपुर के अंदर उसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल, माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने किया, और जिस तरीके से आरपीएल का फर्स्ट सीजन, मैं कहता हूँ एक सक्सेसफुल सीजन गया, तो हमने आरसीए के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी कि किस तरीके से हम राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों की बेहतरीन के लिए कार्य करें। अचानक से ऐसी क्या परिस्थिति बन गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, जिस तरह से सरकार ने, आपको ध्यान है सबको, 3 दिन पहले भी जिस तरीके से आरसी एकेडमी में और स्टेडियम के अंदर ताले लगाए, मुझे उस वक्त ही ये लगा था कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई बिना कोई समय दिए गए, और आनन-फानन में, जिस तरीके से आनन-फानन में ये कार्रवाई की गई, और जहां तक बात जो कहते हैं कि एमओयू साइन नहीं था, तो ये बात सही है, एमओयू साइन नहीं था। कांग्रेस की जब सरकार थी, हम चाहते तो आने वाले 10-15 वर्ष के लिए भी एमओयू साइन करवा सकते थे, मगर नियमों की पालना करते हुए जब उसका टाइम पीरियड जब आना था, हमने उस चीज को कभी उस रूप में नहीं देखा। और मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से, मगर सरकार ने उस चीज को लिया और आनन फानन में क्रिकेट का खेल वहां चल रहा है, अकेडमी में खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से उस दिन एक कार्रवाई की गई आरसीए के ऊपर, तो मुझे वो चीज ये लगती है कि आने वाले समय में भी सरकार की मंशा उससे साफ दिख रही थी कि वो मुझे काम करने नहीं देगी। इन्होंने कई चीज, मंत्री खींवसर ने बताया कि कई चीजों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है, और कहा है कि पिछले 6 महीने में जितने भी काम हुए हैं उनकी जांच भी कराने वाले हैं। नहीं, जांच कराएं वो, उसमें कोई तकलीफ नहीं, सरकार को पूरा अधिकार है कि वो जांच कराए, निश्चित तौर पर कराए अगर उनको ऐसा लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।